आपकी होंडा लीवो BS6, ये BS6 इंजन के साथ अपडेट हो चुकी है। इसमें आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये हम लोअर वेरिएंट देख रहे हैं डिस्क ब्रेक से नीचे वाला, तो आज हम इसका आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं। इसमें आपको क्या फीचर्स आते हैं, इसकी इसमें क्या नए चेंजेस किए गए हैं, इसमें इसका क्या आपको क्या नया मिलता है इस गाड़ी में, आपको इसके लोग सब पूरी जानकारी देखने के लिए देखते रहिए वीडियो। चलिए दोस्तों पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के फ्रंट से। तो इसमें आपको फ्रंट में ये वाइज़र पूरा चेंज कर दिया गया है इसका। ये काफ़ी स्पोर्टी लगता है देखने में, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पर आपको ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दी गई है इस गाड़ी में। यहाँ पर आपको साइड में फेंडर्स दिए गए हैं, वेंट्स आप देख सकते हैं। इसका जो हेडलैम्प है वो है हेलोजन हेडलैम्प मिलता है आपको इसमें। और यहाँ पर आपको ये फाइबर का मडगार्ड मिल जाता है। और इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं। और इसके 12 इंच के अलॉय व्हील्स आप अपने 18 इंच के अलॉय व्हील्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं। 130mm के ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं इसमें आप दोस्तों आपको फ्रंट में। और अगर इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये साइड प्रोफाइल से कुछ इस तरह दिखती है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साइड प्रोफाइल से भी काफ़ी स्पोर्टी अग्रेसिव सी लगती है। और इसके यहाँ पर आपको ये लेग गार्ड मिलता है छोटा सा। और यहाँ पर आपको ये पूरा दिया गया है फाइबर का पार्ट। यहाँ पर आपका फ्यूल टैंक है। यहाँ पर लीवो की बड़ी बैजिंग दी गई है, ग्राफिक्स दिए गए हैं लीवो में, लिखा गया है ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको होंडा की बैजिंग दी गई है जो कि 3D फिनिश में आती है, 3D इसमें आती है। यहाँ पर भी आपको लीवो लिखा गया है जो कि पहले भी आया करता था। इसमें आपको रफ़ फिनिश में इंजन देखने को मिलता है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं रफ़ फिनिश में इंजन। यहाँ पर आपको ब्लैक पूरा फिनिश में इंजन देखने को मिलता है। इसमें आपको 4 गियर्स देखने को मिलते हैं दोस्तों। यहाँ साइड स्टैंड आपको मिल जाता है, यहाँ डुअल स्टैंड मिलता है दोस्तों आपको इसमें। यहाँ पर आपको लेग गार्ड मिल जाता है ये इसमें पीछे पिलियन के लिए। और अगर इसकी इधर भी आपको ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं, न्यू ग्राफिक्स हैं दोस्तों ये है। इसके सस्पेंशन में आपको रेड कलर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको पैर रखने की जगह मिल जाती है। और रियर की बात करें तो रियर से ये कुछ इस तरह दिखती है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके टेल लैंप्स भी चेंज कर दिया गया है। इसमें LED टेल लैंप्स नहीं आते, इसमें हेलोजन टेल लैंप्स आते हैं दोस्तों। ये हेलोजन का पैटर्न चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिलता है और यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह मिल जाती है। और इसमें आपको रियर में MRF के टायर, इसमें आपको MRF के टायर आते हैं शायद, इसमें C8 के टायर्स आते हैं, सॉरी ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर C8 के टायर्स आते हैं इसमें 18 इंच के। और यहाँ पर आपको ये चेन कवर भी फाइबर का देखने को मिलता है रियर वाला। और अगर इसकी सीट की बात करें तो इसकी सीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ी वाइड, ज़्यादा वाइड नहीं है लेकिन वाइड है इसकी सीट भी, कंफर्टेबल सीट है, ज़्यादा हार्ड नहीं, सॉफ्ट भी नहीं है। दो एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं इसमें। और यहाँ पर आपको ये पीछे ग्रैब रेल दिया गया है, ये थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है, काफ़ी हार्ड नहीं है, सॉफ्ट मटेरियल इस यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसको पहले हैंडल बार आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, हैंडल बार कुछ इस तरह दिखता है इसका। और इसकी कंट्रोल्स की बात करें तो इसमें आपको कुछ इस तरह के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, इंडिकेटर का, यहाँ हॉर्न बटन, यहाँ पर आपको पासिंग लाइट देखने को मिल जाता है। और अगर इसके इंस्ट्रूमेंट इस तरफ आपको इंजन के स्विच देखने को मिलता है जो कि होंडा की सभी गाड़ियों में आपको मिल रहा है। साइलेंट स्टार्ट टेक्नोलॉजी मिलती है, मतलब आप इसको दबाए रखेंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, यहीं से आपका सेल्फ भी काम करता है। इंजन इसको बंद कर देंगे तो आपकी गाड़ी ऑफ हो जाएगी। और यहाँ पर आपको होंडा की बैजिंग मिल जाती है देख सकते हैं। और कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें देखने को मिलता है आपको BS6 इंजन में। ये चेंज कर दिया गया है, पहले आपको आधे इसमें ये देखने को मिलता है, इसमें ये बीच में आ गया है। तो यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर एनालॉग मिलेगा और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटली मिलेगी। यहाँ पर आपको इंजन की लाइट मिल जाती है, यहाँ पर आपको ये सेट करने का बटन मिल जाती है आप देख सकते हैं। और इसके RPMs कुछ इस तरह देखते हैं, ज़्यादा मीडियम साइज़ के RPMs इसके आप देख सकते हैं। और इसकी फ्यूल टैंक या ओपनर भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये। और इसकी साइड व्यू मैं आपको दे दूँ एक बार, अच्छे से देख लीजिए कुछ इस तरह दिखती है। और अगर इसमें तो दोस्तों ये था होंडा लीवो BS6 का एक फुल रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरी वीडियोस को। अगर आपको पसंद आते हैं तो कमेंट करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।